महाभारत के शिखंडी का नाम तो सभी ने सुना होगा। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि शिखंडी किन्नर था, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत ग्रंथ में शिखंडी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था और बाद में वो पुरुष बन गया। तो दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे शिखंडी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अब वीडियो में आगे। महाभारत के अनुसार एक बार काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में जाकर भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के विवाह के लिए उन तीनों राजकुमारियों को हर ले आए थे। जब अंबा ने भीष्म को यह बताया कि वह शाल कुमार को अपना पति मान चुकी है, तब भीष्म ने उसे सम्मान सहित उसे छोड़ दिया। लेकिन हरण कर लिए जाने पर शाल ने अंबा को अस्वीकार कर दिया और अपने इस अपमान के कारण अंबा ने भीष्म को कहा, अब आप हमसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने तो पहले ही प्रण ले लिए थे कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी विवाह के लिए मना कर दिया। और फिर अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध की भावना लेकर भगवान परशुराम के पास गई और सारी बातें बताई, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि भीष्म परशुराम के शिष्य थे। तब अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वो ही भीष्म के अंत का कारण बनेगी और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात अंबा का पुनर्जन्म होता है। अंबा अगले जन्म में फिर से कन्या रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसे भीष्म द्वारा किए गए अपमान का ज्ञान था। युवा होने पर उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण जरूर बनोगी। शिवजी से वरदान पाकर अंबा ने इस जन्म में आत्मदाह कर लिया। फिर अंबा ने लिया तीसरा जन्म। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। कुछ समय बाद द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन द्रुपद ने सभी से यही कहा कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। द्रुपद ने उस कन्या का नाम शिखंडी रखा। शिखंडी के युवा होने पर राजा द्रुपद ने उसका विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करवा दिया। विवाह के बाद हिरण्यवर्मा की पुत्री ने अपने पिता को बता दिया कि उसका विवाह एक पुरुष से नहीं स्त्री से हुआ है। क्रोध में आकर राजा हिरण्यवर्मा ने पांचाल देश पर हमला कर दिया। ये देख शिखंडी घबरा गई और वन में भाग गई। उस वन में स्थूणकर्ण नाम का एक यक्ष रहता था। स्थूणकर्ण के पूछने पर शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। तब शिखंडी की सहायता के लिए स्थूणकर्ण ने अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं ले लिया और कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होने पर तुम मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। इस तरह पुरुष के रूप में शिखंडी अपने घर पहुँची तो राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा भी अपने नगर लौट गए। स्थूणकर्ण की बात जब यक्षों के राजा कुबेर को पता चली तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होती तब तक उसे स्त्री रूप में रहना होगा। इस तरह स्त्री रूप में जन्म लेने के बाद शिखंडी पूर्ण पुरुष बन गया। ये बात पितामह भीष्म जानते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में शिखंडी पर वार नहीं किया। इस तरह तीसरे जन्म में अंबा ने अपने अपमान का बदला भीष्म से लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप प्लीज कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें यह पता लग सके कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, क्योंकि हम इस कमी को अगले वीडियो में सुधार कर सके। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।